हेलो गेमर्स, मैं हूं आयरन बॉय एंड वेलकम टू द लेआउट प्रेफरेंस गाइड वाले वीडियो। गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो आपको दो टाइप के बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला होगा लेआउट प्रेफरेंस आप समझ जाओगे और दूसरा होगा कि आपको रॉयल पास गिव अवे के बारे में कुछ पता चलने वाला है। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं कि जो बोलते हैं भाई लेआउट कौन सा यूज करते हो, फर्स्ट लेआउट या थर्ड लेआउट, और हमें कौन सा लेआउट यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सा लेआउट सबसे बढ़िया और खतरनाक वाला है। देखो गाइस, बीजेएमआई वालों ने बड़ी मेहनत साथ हमें तीन टाइप के लेआउट प्रोवाइड करे गए हैं। फर्स्ट वाला जो लेआउट है उसमें लेफ्ट वाला पूरा पार्ट मूवमेंट के लिए दिया गया है। सेकंड वाला लेआउट भी फर्स्ट वाले लेआउट की नाजायज औलाद है, लेकिन उसमें राइट साइड का फायर बटन जो होगा ना वो मूवमेंट करता हुआ होगा, मतलब जहाँ भी स्क्रीन में टैप करो वहाँ फायर बटन तुम्हारा आ जाएगा। और जो थर्ड वाला लेआउट है वो अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक है मैं बताता हूँ, क्योंकि इस लेआउट में आपकी मूवमेंट तभी होगी जब आपका हाथ जॉयस्टिक पे पड़ेगा, मतलब जॉयस्टिक पे रखोगे। अगर जॉयस्टिक के अलावा आप कहीं हाथ रखने की कोशिश करोगे तो आपको दिन में तारे दिखने वाले हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा वो मैं आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले हम इन दो लेआउट को कंपेयर करते हैं। दो मतलब कौन से, फर्स्ट लेआउट और थर्ड लेआउट। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट लेआउट के बारे में। तो जहाँ तक मुझे लगता है सारे बंदे फर्स्ट लेआउट को यूज करते होंगे, बहुत कम है जो थर्ड लेआउट को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट लेआउट में जो लेफ्ट वाला हाफ पार्ट होता है स्क्रीन का वो सारा होता है मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जॉयस्टिक छोड़ के लेफ्ट साइड में कहीं भी टैप करते हो ना, मतलब कहीं भी स्वाइप करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी मूवमेंट ही होगी मेरे भाई। लेकिन थर्ड लेआउट में आपको जॉयस्टिक पे टैप करने भी ये मूवमेंट होने वाली है। जॉयस्टिक के अलावा कहीं टच करते हो ना, नहीं होगी मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगी मूवमेंट। अब आप लोग कहोगे कि यार भाई कौन सी लेआउट सबसे बेस्ट है यूज करने के लिए। रुको भाई, वीडियो पर लास्ट तक बने रहो, मैं सब बताने वाला हूँ। देखो गाइस, थर्ड लेआउट की एक स्पेशल बात है जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और वो स्पेशल बात ये है कि जॉयस्टिक के सेंटर में आप जब थंब रखोगे तभी आपकी मूवमेंट हो पाएगी। उसके अलावा अगर जॉयस्टिक के थोड़े राइट भी रखते हो ना आप, बिल्कुल नहीं होगी मूवमेंट ब्रो, बिल्कुल ना, जीरो शून्य अंडा, नो मूवमेंट। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है गाइस कि आपका जिगल है वो परफेक्ट होने वाला है। अब आप कहोगे कि इससे जिगल कैसे परफेक्ट होगा। देखो ब्रो, तुम बिल्कुल जॉयस्टिक के सेंटर में थंब को रख रहे हो अपने, और जिगल परफेक्शन का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको जिगल जो है वो जॉयस्टिक के सेंटर से देनी स्टार्ट करनी है। जब आप सेंटर से लेफ्ट राइट मूवमेंट दोगे तभी तो आपका जिगल परफेक्ट होगा मेरे भाई। इसी वजह से बहुत सारे चाइनीज प्लेयर और इंडियन कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स थर्ड लेआउट को चूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव से आया, मेरा एक फ्रेंड है बागी गेमिंग करके, वो भी थर्ड लेआउट को ही यूज करता है। उसने वीजीएस का फर्स्ट राउंड भी क्वालिफाई कराया और वो बहुत ही अच्छी गेम प्ले वीडियोस अपने चैनल पे रेगुलर अपलोड करता रहता है। और देखो गाइस, आपको तो पता है YouTube कम्युनिटी एक ऐसे कम्युनिटी है जिसमें मेहनत करने वाले हाई स्किल वाले बंदों को बहुत ही लो सपोर्ट मिलता है। और जो बंदे चाहते कि रॉयल पास गिव अवे होना चाहिए, तो उसके चैनल पे ऑलरेडी रॉयल पास गिव अवे चल रहा है। तो यार देखो यार, जाके सब्सक्राइब कर दो, और उसका कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट में लिखना लव फ्रॉम आयरन बॉय। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो देखो गाइस, फाइनली मैं पॉइंट पे आता हूँ कि थर्ड लेआउट सबसे बढ़िया है जिगल परफेक्शन के लिए। अब मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ ना जिससे आप कन्विंस हो जाओगे थर्ड लेआउट में शिफ्ट हो जाने के लिए। देखो गाइस, बहुत सारे बंदों के साथ ऐसी दिक्कत आती होंगी कि जिगल देते वक्त उनका जो बंदा है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप थर्ड लेआउट पे शिफ्ट हो जाते हो ना, तो ये वाली दिक्कत आपके साथ कभी नहीं होगी। एक और एडवांटेज है जो थर्ड लेआउट को बेनिफिशियल बनाता है। वो बेनिफिट ये है कि अगर समझो आप थर्ड लेआउट में लेफ्ट साइड में कोई भी कंट्रोल रखते हो, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपने क्राउच वाला बटन रख दिया, जैसे कि आप मेरा वाला देख सकते हो, मेरा बिल्कुल जॉयस्टिक के ऊपर ही क्राउच वाला बटन है। गाइस, एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें तुम पैनिक में हो और तुम्हें क्राउच वाले बटन पे टैप करना है, लेकिन गलती से तुम इधर उधर टैप कर देते हो। इससे आपके मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप दोबारा टैप कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन आप यही सिनेरियो फर्स्ट वाले लेआउट में इमेजिन करके देखना। फर्स्ट वाले लेआउट में आप गलती से अगर क्राउच वाले बटन की जगह कहीं और टैप कर देते हो ना, तो आपकी मूवमेंट हो जाएगी, आपका बंदा मूवमेंट करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा जो एरिया है वो जॉयस्टिक के लिए रखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो एम है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप मूवमेंट करोगे। तो यही कुछ बात है जो थर्ड लेआउट को एक यूनिक लेआउट बनाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप थर्ड लेआउट पे शिफ्ट होने वाले हो, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है उन बंदे को जिसकी जॉयस्टिक बहुत ही छोटी है। वो इसलिए है क्योंकि थर्ड लेआउट में आपकी मूवमेंट तभी होने वाली है जब आप जॉयस्टिक के सेंटर वाले काले बिंदु पे टैप करोगे। वेट अ मिनट, काला बिंदु क्या होता है? अरे काला बिंदु मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट जो ब्लैक में होता है।
छोड़ो इस बात को। बिना बात का बतंगड़ बनाए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो गाइस, तुम्हें थर्ड लेआउट में जॉयस्टिक साइज बड़ी रखनी है। तो फाइनली कंक्लूजन ये होने वाला है कि जिनको अपनी जॉयस्टिक साइज अभी तक पता नहीं चली और जो नहीं समझ पा रहे कि जॉयस्टिक को कहाँ पे प्लेस करूं और जिनका परफेक्शन मोमेंट पे नहीं है, वो थर्ड लेआउट पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये तो होगी लेआउट वाली बात है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको आपको थर्ड लेआउट में शिफ्ट होने पे फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नंबर वन होने वाला है, आपको जॉयस्टिक के सेंटर में थंब को प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर प्लेस करते हो ना, आपको दिन में तारे दिखने वाले हैं, क्योंकि आप सेंटर को जोड़कर इधर उधर टैप करते हो तो आपका कैमरा एंगल चेंज होगा, ना कि आपकी मूवमेंट होगी। मैं मानता हूँ गाइस कि तुम थर्ड लेआउट पे शिफ्ट हो जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, लेकिन आपकी ये अनकंफर्टेबलनेस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि उसके बाद ना आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे। देखो गाइस, फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट लेआउट और थर्ड लेआउट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जॉयस्टिक के मैकेनिज्म का डिफरेंस है। देखो गाइस, जिन्होंने फर्स्ट लेआउट मास्टर कर लिया है वो फर्स्ट लेआउट पे बने रह सकते हैं, लेकिन आप नई चीज ट्राई करना चाहते हो तो थर्ड लेआउट जरूर ट्राई कर लेना। और जिनकी जिगल मूवमेंट परफेक्ट नहीं हो पा रही है, देखो भाई तुम्हें तो जरूरत है थर्ड लेआउट पे शिफ्ट हो जाने की, तो देखो यार बिल्कुल ट्राई करना। और पहले 7 दिन तक आपको अनकंफर्टेबलनेस फील होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप थर्ड लेआउट पे हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको जो बातें मैंने बताई आपके भेजे में उतरी हो। तो कोई पॉइंट बचता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार के भाई को सब्सक्राइब कर दो यार। आज की इस वीडियो का टारगेट लाइक रखते हैं 1K likes। यार मुझे पता है तुम इजीली कर दोगे, तो चलो फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में आपको किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का। चलो बाय।